ये कहानी एक ऐसे आईएएस की है जिसने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। जिन मुश्किलों में लोग सपने नहीं देख पाते, उन मुश्किलों में इन्होंने न केवल अपने सपने की आग को मेहनत की भट्टी में जलाए रखा, बल्कि आईएएस बनकर सपने को साकार भी किया। आईएएस प्रभाकरण कहते हैं कि सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां ही लेनी पड़ेंगी। मैंने 2004 में आईएएस बनने का सपना देखा था, लेकिन उसी साल मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगले 4 साल मैंने खेती मजदूरी का काम किया, लेकिन इन संघर्षों में मैंने सपने को मरने नहीं दिया। दोस्तों, 4 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाना और फिर ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम पास करना कोई छोटी बात नहीं है। आईएएस प्रभाकरण साहब कहते हैं कि कई बार परिस्थितियां साथ नहीं देती, लेकिन आपको लक्ष्य अपने मन में जीवित रखना होगा। इसलिए हर बाधा के पहाड़ को तब तक चोट मारो जब तक वो टूट नहीं जाता। अपने सपनों को मन में ही मत मारो, बल्कि लगन और कड़ी मेहनत से उन्हें साकार करो।